तो दोस्तों कीर्ति सेनन ने शाहरुख खान को लेकर कह दी बड़ी बात जिसे सुन आप रह जाएंगे हैरान। यहाँ कीर्ति सेनन ने शाहरुख खान के साथ फिल्म दिलवाले में काम किया था और ऐसा लगता है कि अभिनेत्री सुपरस्टार से काफी प्रभावित है। हाल ही में तिरुदा के संपादक निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में कीर्ति ने बताया कि उन्हें किंग खान काफी पावरफुल लगते हैं। बादशाह और केएल राहुल भी इस बातचीत का हिस्सा थे। बातचीत के दौरान निखिल ने मशहूर हस्तियों से पूछा कि कुल रहना कितना महत्वपूर्ण है। इस पर अपनी राय साझा करते हुए कीर्ति ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं बहुत कूल महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि शाहरुख खान कूल है, उनमें आत्मविश्वास की भावना है, जबकि वह बुद्धिमान है, वह मजाकिया है और वह आपको हंसा सकते हैं और खुद पर भी हंसा सकते हैं। वह आकर्षक हो सकते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। वह गंभीर बातचीत में आपको हंसा सकते हैं। इसके अलावा निखिल ने कहा, मैंने शाहरुख खान को यह बताया है कि वह एक ही बातचीत में विनम्रता और अहंकार दोनों दिखा सकते हैं। कृति ने कहा, और फिर भी आपको नाराज नहीं करेंगे। निखिल ने आगे कहा, वह इतनी चतुराई से काम करते हैं कि इसे देखना अविश्वसनीय है। जिस किसी के पास भी कोई व्यक्तित्व है उसे कुछ गहराइयां देने के लिए आपको उसमें कुछ विरोधाभास जोड़ने की जरूरत होती है। विज्ञापन पॉडकास्ट पर निखिल कामत ने शाहरुख खान के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी बताया, हर बार जब मैं बॉम्बे आता हूँ तो एक रात में शाहरुख खान के घर जाता हूँ। हम दोनों बैठकर 4 से 5 घंटे बातें करते हैं। वह जिस तरह की सलाह देते हैं वह अविश्वसनीय है। मैं उनके पास सिर्फ ज्ञान के लिए जाता हूँ। काम के मोर्चे पर कीर्ति सेनन की हाल ही में 2024 में 2 फिल्में रिलीज हुई है। एक है तेरी बातों में उलझा जिया और दूसरी है क्रू। उनके पास हाउसफुल 5 और नो एंट्री के सीक्वल है। वही शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी किंग होने वाली है जिसमें उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान नजर आएगी। वैसे दोस्तों आपका कीर्ति सेनन की इस बात पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।